अच्छा, अब सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन है वही, अब एक्स लिंक जो ऊपर हमने पढ़ा, एक्स लिंक रिसेसिव के बारे में थोड़ा सा देखना है। इसके अंदर भी क्या हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ऐसी डिजीज़ है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। मतलब क्या कि मेल के पास, मेल के लिए इस ये डिजीज़ होने के लिए एक भी ख़राब अलील आगे मेल को हो जाएगी, और फीमेल को होने के लिए दोनों ख़राब अलील होना ज़रूरी है, तब जाके फीमेल को होगी। तो इसका मतलब ये, तो हीमोफीलिया इसकी एग्जाम्पल है। कलर ब्लाइंडनेस में एग्जाम्पल वो भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एबसेंस या मेल फंक्शनिंग, मतलब या तो वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, या मौजूद है ख़राब है। क्या क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसी प्रोटीन है जो कि अगर हमारा ब्लड, जैसे कोई इंजरी हो जाए तो ब्लड निकलता है, कुछ टाइम बाद निकलना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, ये प्रोटीन्स की मदद से, प्रोटीन काम करती हैं और ब्लड को रोक देती हैं। तो यही मेंशन है, इन माइनर कट्स पेशेंट में ब्लीड टू डेथ। इसमें क्या होता है, वो प्रोटीन्स ही मौजूद नहीं है जिनको ब्लड को रोकना है निकलने से, तो इवन इतनी ब्लीडिंग भी हो सकती है कि पेशेंट की डेथ हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि जो ब्लीडिंग रुक जाती है वो कैसे रुकती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं एक्चुअली सारे। क्या होता है, दो तरह से होता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है फैक्टर 12, ठीक है। ए का मतलब यहाँ जहाँ जहाँ भी आएगा इसका मतलब एक्टिव, ठीक है। फैक्टर 12 क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। फैक्टर 12 एक्टिवेशन में आ गया, उसके बाद ये क्या करेगा, फैक्टर 11 को जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। फैक्टर 11 क्या कर रहा है, फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर रहा है, 10 नहीं है वो, 10 स्किप है, ठीक है। फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर रहा है। ये तो हो गया हमारे पास इंट्रिंसिक वाला मैकेनिज्म। अगर एक्सट्रिंसिक पे आए, एक्सट्रिंसिक पे फैक्टर 7 है, ठीक है, और फैक्टर 7 एक्टिवेट हो रहा है 7A में, मतलब एक्टिवेशन फॉर्म में जा रहा है, और ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। मर्ज कैसे हो रहे हैं, यहाँ फैक्टर 9 था और ये फैक्टर 7 था, ये आए यहाँ पर, और फैक्टर 9 ने एक्चुअली क्या किया, बीच में एक फैक्टर 8 होता है उसकी मदद से फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में कन्वर्ट कर दिया, और फैक्टर 7 एक्टिवेशन जो एक्टिवेटेड है उसने डायरेक्टली फैक्टर 10 को कन्वर्ट कर दिया। तो हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पर मौजूद है फैक्टर 12 इंट्रिंसिक में, 12 के बाद आ रहा है 11, ठीक है, और 11 के बाद आ रहा है 9, क्या इसकी स्किपिंग 10, आप ऐसे याद रखेंगे कि स्किपिंग 10, 12, 11, 9, और उसके बाद क्या आएगा 8, 9 ने 8 को एक्टिवेट किया, 8 आया, और 8 के बाद हमारे पास जहाँ हमने 10 को स्किप किया था इस जगह पर, ठीक है, तो हम 10 यहाँ आ जाएगा। ये तो हो गया आपके पास इंट्रिंसिक। अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक में ऐसे कुछ होगा, 7 है, 7 की मदद से क्या हो रहा है, 10 एक्टिवेट हो रहा है। अब 10 आगे क्या करेगा, अब ये पाथवे आके मिल गया, अब 10 क्या करेगा, 10 से आगे एक्टिवेट होगा फैक्टर 2 जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रॉम्बिन, और वो एक्टिवेट होकर थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 आगे एक्टिवेट करेगा 1 को, ठीक है। 1 क्या है, फिब्रिनोजन, और फिब्रिन एक्टिवेटेड फॉर्म है, और फैक्टर 13 की फिर मदद से एंड पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कैसे कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा और करेंगे याद हो जाएगा। फैक्टर 12 है, 11 है, 10 को स्किप करेंगे, 9, 8, ठीक है, यहाँ से फैक्टर 7 है जो कि एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों तरफ से 10 को एक्टिवेट किया, 10 ने 2 को किया, 2 ने 1 को किया, और 1 ने 13 की मदद से ब्लड को क्लॉट कर दिया। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। तो अब मसला कहाँ आएगा, ये सारी प्रोटीन्स हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो मैं कह रहा हूँ हीमोफीलिया में मिसिंग है। तो अब मसला कहाँ आएगा, हीमोफीलिया में कोई इन सब में से कोई एक भी मिसिंग हो तो क्लॉटिंग में मसला आना शुरू हो जाएगा। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया के भी 3 टाइप्स हैं, ए बी सी। तो ए बी हैं, ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होगा, जो ए है इसमें फैक्टर 8 मिसिंग होगा, 8 कहाँ था आप चेक कर लेते हैं, फैक्टर 8 ये आ गया, ये वाला, ठीक है, ये मिसिंग होगा। जब ये मिसिंग होगा तो ये नीचे वाला पूरा मैकेनिज्म रुक जाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 8 मिसिंग होगा, 8 का दूसरा नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और ये 80% हीमोफीलिया ए ही होता है, ठीक है, बहुत कॉमन है ये। मतलब कॉमन किसी मुराद ये कि हीमोफीलिया में कॉमन है, बी और सी जो लेस कॉमन है। हीमोफीलिया बी की बात करें तो इसमें फैक्टर 9 एब्सेंट होता है, ठीक है। अब 9 कहाँ था ये चेक कर लेते हैं, 9 हमारे पास ये रहा, ठीक है, फैक्टर 9 ये रहा। तो यहाँ पर जब यहाँ मिसिंग होगा तो ये आगे पूरा नहीं जा सकेगा और ब्लड क्लॉट एंड पे नहीं होगा ना। इसको क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं फैक्टर 9 को, ये 20% होता है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या है, मोर मेल के मोर इफेक्ट होते हैं, वही बात है, मेल के पास एक एक्स है तो अगर एक भी एलील ख़राब आ गई तो मेल इफेक्ट हो जाएगा, तो फीमेल के पास दो एक्स हैं, एक ख़राब आए इसको मसला नहीं है, इसके बाद दोनों ख़राब आनी चाहिए जो कि बहुत रेयर होता है। तो ज़िगज़ैग पैटर्न इसीलिए है जो कि ऊपर मैंने आपको एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ में बता दिया। मेटर्नल फादर मतलब क्या कि जो मदर के फादर हैं उनसे मदर में आएगी, वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा था मेल से फीमेल में, फिर फीमेल से दोबारा मेल में, फिर मदर से सन में जाएगी, ठीक है। जितने भी एक्सट्रीम रिसेसिव ट्रेट्स हैं, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे ये वाली हमारे पे हीमोफीलिया हो, उस इन सब का ट्रांसमिशन का पैटर्न यही होता है, मेल से फीमेल में, फीमेल से दोबारा मेल में, फिर मेल से फीमेल में, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इसलिए इसको ज़िगज़ैग पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब और क्या हो सकता है भाई, और ये हो सकता है पेटर्नल मदर जो है मतलब फादर की मदर है, फादर की मदर भी क्या हुई वो, मतलब वो होंगी फीमेल होंगी, तो फीमेल उनसे फादर को आ सकता है, फादर से डॉटर को, तो कॉन्सेप्ट वही है, फीमेल से मेल को, मेल से फीमेल को, फीमेल से दोबारा मेल को, ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता एक जनरेशन की फीमेल थी उसने अपनी डॉटर को दे दी, ऐसे नहीं, फीमेल अपने सन को देगी, फिर जो सन दोबारा उसके आगे ऑफस्प्रिंग होंगे वो अपनी डॉटर को देगा, तो ऐसे ही चलेंगे एक्सरे के सेसिव ट्रेड्स, और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फीमेल के पास एक्स एक्स होता है, मेल के पास एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर इनका इनकी शादी हुई, इनका बेटा पैदा होगा, तो उसका भी दायरे एक्स वाई होगा, वो मेल है, तो उसका वाई जो है वो आता है फादर से, उसका एक्स आता है मदर से। तो अगर तो मदर का एक्स इफेक्टेड है, मतलब ख़राब एक्स है, और इसने आगे अपने सन को दे दिया, तो ये किससे हुआ, फीमेल से मेल हुई ट्रांसमिशन। जाहिर है फादर क्या कर रहा है, वो तो वाई दे रहा है, वाई की तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे अभी, तो फीमेल से मेल हो गई। अब मेल आ गया, अब इसकी अगर शादी होती है दोबारा, तो आगे अगर इनकी डॉटर पैदा होती, डॉटर दोबारा फीमेल होगी, इसका एक्स एक्स होगा, तो फादर का अगर ख़राब था एक्स क्रोमोसोम, तो वो दो, एक एक्स मदर से आएगा, एक एक एक्स फादर से आएगा, तो ख़राब वाला डॉटर में चला गया। तो देखें सबसे पहले फीमेल थी मदर, मदर ने अपने सन को दिया जो मेल था, फिर सन ने दोबारा अपने डॉटर को दिया जो क्या है फीमेल है, तो इसलिए एक्स लिंग ऐसे जितनी भी ट्रेड्स हैं उनका यही ट्रांसमिशन का पैटर्न होगा। थर्ड है हेमोफीलिया सी, ये ऑटोजोमल है, ठीक है, ये एक्स लिंग क्रोमोसोम पे नहीं होती, एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती, ऑटोजोम जो हमारे 44 होते हैं तो ऑटोजोमल होता है। ये क्या होता है, इसमें एबसेंस ऑफ फैक्टर 11, फैक्टर 11 मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहा, ठीक है, इसकी एबसेंस होगी, जब ये नहीं होगा तो पूरा आगे वाला नहीं चलेगा पाथवे और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, दूसरा इसका नाम ये है, दूसरा इसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटीसेंडेंट, ठीक है, PTAB इसको कहते हैं, फैक्टर 11 का दूसरा नाम है। ऑटोसोमल है, इसको 1% बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, और मेल फीमेल इक्वली इफेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जितनी भी ऑटोसोमल डिजीज हैं वो मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करती हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये मैं आपको डिग्री थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी आगे इसको और डिस्कस करते जाएंगे। जो भी हमारे पास स्क्वायर होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या है कि मेल होगा तो एक्स वाई, और जो भी सर्किल होता है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स एक्स। उसके बाद ये वाली इसको कहते हैं मैरिज लाइन, मतलब इनके आपस में शादी हुई है, और ये नीचे जो ऐसे शो किया होता है ये इनके बच्चे होते हैं सारे, तो ये मेल है, ये फीमेल है, और ये नीचे इनके सारे बच्चे हैं। तो अगर गौर करें ये भी फीमेल होगी क्योंकि सर्किल है, ये मेल होगा, ये भी मेल होगा, ये फीमेल होगी, और ये भी क्या होगी फीमेल। तो जो शेड हुआ होता है, शेड का मतलब है ये डिजीज़ से अफेक्टेड है, और शेड नहीं हुआ हुआ तो मतलब क्या है, ये डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं है। कभी कभी इसको हाफ शेड भी किया होता है, ऐसे हाफ शेड हुआ होगा तो उसका मतलब है कि एक कैरियर है, ठीक है, हाफ शेड अगर कहीं आपको मिले तो मतलब कैरियर है। तो होता क्या है कि अब ये फीमेल है और ये मेल है, तो अगर मैंने आपको जैसे बताया एक्स लिंग रिसेसिव ट्रेट जो हैं वो फीमेल से मेल में जाती हैं, फीमेल तो कैरियर भी हो सकती है, मतलब उसके बाद एक ख़राब अलील आ गया क्योंकि रिसेसिव है, ये ख़राब अलील आ गया, अब ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव है तो इसमें एक ख़राब अलील है मगर ख़ुद नॉर्मल होगी तो ये कैरियर होगी। तो कैरियर के अगर आगे मेल में, कैरियर फीमेल के आगे मेल में बीमारी आ जाए, तो मेल के पास तो एक ही ख़राब अलील होना होना है क्योंकि वो एक्स वाई होता है, तो ये वाला ख़राब वाला अगर एक्स मेल के पास आ गया, ठीक है, मेल के पास आ गया, तो मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें इन्होंने यहाँ पर अफेक्टेड शो किया हुआ है, बाकी डिटेल हम थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे, ओवरव्यू फिलहाल आप ले लें कि ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है, बाकी आगे इसको वन बाय वन देखते जाएंगे। अच्छा, एक और डिजीज़ है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ही है, वो क्या है, वो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि मेल सेट ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, जो भी होगा बंदा उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है, मतलब क्या कि इसको फीमेल होना चाहिए था, मगर TFM एक जीन होती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, इसको क्या कर देती है, फिनोटिपिकली मतलब बज़ाहिरी इसको फीमेल बना देती है, और दो इसके बाद एक्स वाई क्रोमोसोम मौजूद है, मेल होना चाहिए, पर TFM जीन जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है इसको क्या कर देती है, फिनोटिपिकली बज़ाहिरी फीमेल कर देती है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, एंड्रोजन का मतलब है जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिसने फीमेल को, मेल को सेकेंडरी करेक्टर्स देने, मतलब बेड आएगी और मेल के जितने करेक्टर्स हैं वो आएंगे, तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होता है, मतलब एंड्रोजन्स की मौजूदगी नहीं होती है, एंड्रोजन का अपना काम नहीं कर रहे होते सही तरह, जब मेल के मेल हॉर्मोन्स ही अपना काम नहीं करेंगे तो मेल्स वाले जो करेक्टर्स हैं वो भी नहीं आ सकेंगे। तो अब शो कैसे होगा, मतलब इसका बज़ाहिरी फिनोटाइप क्या होगा कि टेस्टिस तो मौजूद होंगे मगर डीजेनरेटेड, मतलब छोटे टेस्टिस होंगे और एब्डोमिन में होंगे, ठीक है, बाहर नहीं होंगे, छोटे टेस्टिस होंगे एब्डोमिन में होंगे, और क्या होगा,
लार्ज ब्रेस्ट होगा, ये मेल है एक्स वाई है इसके बाद, मगर इसको वो लार्ज ब्रेस्ट है और फीमेल जेनिटिलिया मौजूद है, मतलब वजाइना मौजूद है, मगर ब्लाइंड वजाइना का मतलब ये है वजाइना की जो आउटर ओपनिंग है वो क्लोज होगी, ठीक है, और यूट्रस भी मौजूद नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ मेल वाला कैरेक्टर्स आ गया, मतलब टेस्टिस है मगर छोटा है, और क्या है ब्रेस्ट आ गया और वजाइना आ गया मगर वो ब्लाइंड है तो, और यूट्रस नहीं है, तो कुछ मेल वाला कुछ फीमेल वाला कैरेक्टर आ गया, तो इससे क्या होगा, ये स्टेराइल हो जाएगा, आप इनफर्टाइल वर्ड यूज़ करें, इनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल क्या है, मतलब कि ये आगे अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कुछ और ट्रेट्स देखें हम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स अगर देखें, तो कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास एक और ट्रेट आती है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने हीमोफीलिया पढ़ा है, सारी चीज़ें वैसी होंगी, बस कलर ब्लाइंडनेस का जो इनहेरिटेंस है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स वाई होता है मेल का, एक्स एक्स फीमेल का, तो मेल में उसके लिए एक जीन ही काफ़ी है और फीमेल के लिए दोनों जीन ख़राब होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल वैसे ही होगा सब कुछ। अच्छा, बट कलर ब्लाइंडनेस की थोड़ी और डिटेल है। जैसे हमारे जो बेसिक कलर होते हैं वो तीन होते हैं, एक रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, और जो बाकी कलर हमें जो नज़र आते हैं वो इनके ही कॉम्बिनेशन से नज़र आते हैं। तो हमारा जो आई का एक पार्ट है रेटिना, ठीक है, रेटिना पे कोन्स मौजूद होती हैं, एक स्ट्रक्चर है ये रेटिना है अगर, तो रेटिना के अंदर कोन्स होंगी, कोन्स हमें कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो कोन्स किस किस तरह की होती हैं, रेड कोन्स होती हैं जो रेड कलर आइडेंटिफाई करने को हेल्प करती हैं, ग्रीन कोन्स ग्रीन कलर को, और ब्लू कोन्स ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करने की हेल्प करती हैं। अब एक मॉलिक्यूल है प्रोटीन है जिसको ऑप्शन कहते हैं, तो कोन्स के अंदर ये अगर रेड ऑप्शन मौजूद होगा तो रेड कलर आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ऐसे ही ग्रीन कोन्स के अंदर ग्रीन ऑप्शन मौजूद होगा, ब्लू कोन्स के अंदर ब्लू ऑप्शन मौजूद होगा। अब जब डिजीज़ होती है, या आप ये कह लें फिलहाल कि इनकी जीन्स, रेड ऑप्शन की जीन और ग्रीन ऑप्शन की जीन ये होती है, ये एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, मगर ब्लू ऑप्शन की जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे मौजूद होती है, जिसका मतलब ये क्या हुआ कि ऑटोसोमल है, ठीक है, ब्लू ऑप्शन की जीन जो है वो ऑटोसोमल है। अब क्या होता है, अब कुछ तरह के लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकोमेटिक्स, वो होते हैं कि सारे कलर देख सकें, रेड ग्रीन और ब्लू। एक होते हैं ड्राइकोमेटिक जो कि दो कलर देख सकते हैं, कोई एक मिसिंग हो गया, रेड नहीं देख सकेंगे, ग्रीन नहीं देख सकेंगे, ब्लू नहीं देख सकेंगे। और एक होते हैं मोनोक्रोमेटिक्स जो एक कलर देख सकते हैं इन तीनों में से। अब ये वाले जो हैं, ये ट्राइक्रोमेटिक तो ज़ाहिर है बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं ये, तो वो हैं ट्राइक्रोमेटिक्स, तो इनकी ज़ाहिर है और कोई फर्दर डिटेल नहीं है। और डाइक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक में डाइक्रोमेटिक बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब एक कलर की डिफिशेंसी होगी और दो देख सकेंगे, तो डाइक्रोमेटिक की हम ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। अब टाइप्स और डाइक्रोमेटिक क्या है, नोपियाज होते हैं कि कम्प्लीटली अगर मिसिंग हो हमारे पास ऑप्शन पिगमेंट, ऑप्शन जो है वो एक प्रोटीन है, अगर कम्प्लीटली मिसिंग हो तो इनको कहते हैं हम नोपियाज, ठीक है। अब हम अगर पढ़ें तो प्रोटोनोपिया का मतलब होता है कि रेड ऑप्शन मिसिंग होगा, ठीक है, रेड ऑप्शन जब मिसिंग होगा तो रेड कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रेड कलर नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही ड्यूटोनोपिया होता है कि ग्रीन ऑप्शन मिसिंग होता है, ग्रीन प्रोटीन जो है वो मिसिंग होगी और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अच्छा, ट्राइटोनोपिया है, इसमें ये ग्रीन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा ब्लू, ब्लू ऑप्शन मिसिंग होगा तो ब्लू कलर को देखने में मसला हो रहा होगा, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पर ऑप्शन, नोपियाज हमने पढ़ लिया है कि जिसमें क्या है ऑप्शन मिसिंग है कोई एक कलर का, बट एक और चीज़ हो सकती है इसको एनोमली कहते हैं। एनोमली क्या होता है कि ऑप्शन मौजूद तो हो मगर पार्शियली फंक्शनिंग हो, मतलब ऑप्शन अगर मौजूद है, जैसे रेड के लिए ऑप्शन मौजूद है तो हमें रेड के शेड्स नज़र आ रहे होंगे, मगर रेड कम्प्लीटली हम कहें कि प्रॉपरली नज़र आए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो शेड्स ऑफ कलर नज़र आते हैं, जैसे अगर मिसाल के तौर पर अगर रेड के लिए ऑप्शन मौजूद है रेड के शेड्स नज़र आएंगे, अगर ग्रीन के लिए ऑप्शन मौजूद है ग्रीन के शेड्स नज़र आएंगे, और ब्लू के लिए ऑप्शन मौजूद है तो ब्लू के शेड्स नज़र आएंगे। ये वाली कंडीशन जो है ये तो कम्प्लीटली एक वाले कलर जो है मिसिंग होंगे, देख नहीं सकेगा इंसान, बट जो एनोमली में क्या होता है कि शेड्स नज़र आ रहे होते हैं वो ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा, ऐसे ही इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे हम कह लें कि प्रोटोनेमेलिस है, इसमें क्या होगा, प्रोटोनोपिया में हमने पढ़ा कि रेड ऑप्शन मिसिंग होता है, इसमें रेड ऑप्शन कम होगा या फंक्शन उसका कम होगा तो रेड कलर नज़र तो आएगा मगर उसमें प्रॉपरली हम उसको क्लियरली नहीं देख सकेंगे। ऐसे ही ड्यूटोनोमेलिस है, ड्यूटोनोमेलिस हमने पढ़ा ड्यूटोनोपिया ग्रीन ऑप्शन मिसिंग होता है, इसमें ग्रीन कलर नज़र तो आएगा मगर थोड़ा सा उसका फंक्शन कम होगा, तो ये ऐसे होता है। अब इसकी इनहेरिटेंस जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है तो एक्स क्रोमोसोम से जाएगी, बिल्कुल वैसे ही होगा, ज़िगज़ैग पैटर्न जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि ये जाती है, एक सेकंड रुकिएगा, अच्छा ये जाती है हमारे पास, हम यहाँ पर थे, हाँ ज़िगज़ैग पैटर्न में, कैसे, ये मदर से जाएगी सन में, सन से जाएगी डॉटर में, कैसे देखें, मदर का जो जेनेटिक्स है वो होता है एक्स एक्स और फादर का होता है एक्स वाई,
तो जब अगर आगे सन पैदा होना है तो सन का होगा अगर मेल है एक्स वाई होगा तो वाई तो सिर्फ फादर के पास है तो वाई इसको फादर दे देगा, जो एक्स है मदर से आना है। तो अगर तो ख़राब वाला एक्स आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये मदर से मतलब फीमेल से मेल में गई है, सन में गई है। अब आगे क्या होगा, अब अगर इसकी दोबारा शादी हुई जा रहा है फीमेल से शादी होगी इसका एक्स एक्स होगा और इनकी डॉटर पैदा होती है वो भी एक्स एक्स जा रहा है फीमेल है, तो अब क्या होगा एक एक्स आएगा उसकी मदर से, एक एक्स इसके फादर से आएगा और जो एक्स आ रहा है ये क्या था, ये एक्चुअली डिफेक्टेड एक्स था, तो उसके भी आगे इस सन की मदर से आया था। तो क्या हुआ कि ये जो फीमेल थी जो मदर थी उसने सन को मेल को ट्रांसफ़र किया, मेल ने आगे अपनी डॉटर को जो फीमेल है ट्रांसफ़र किया, तो क्या हो रहा है ऐसे मेल टू फीमेल टू मेल फिर आगे चलता रहेगा, तो इसलिए इसको ज़िगज़ैग पैटर्न भी कहते हैं। अच्छा, जो ब्लू कलर ब्लाइंड थे जैसे हमने ऊपर देखा कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे थी ऑटोसोमल है तो मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करती है, लास्ट वीडियो में देख चुके हैं ऑटोसोमल जितनी डिजीज़ हैं वो मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल में भी 44 ऑटोसोम्स होते हैं, मेल में भी 44 ऑटोसोम्स होते हैं, तो ये ऑटोसोम जो है इनको देख के हम नहीं बता सकते मेल है फीमेल है, तो इनकी डिजीज भी हम देख के जो है वो डिजीज भी ये इक्वली इफेक्ट कर रही होती है। अब एग्जांपल ले रहे थे कलर ब्लाइंडनेस की, एक दो क्रॉस बना के देख लेते हैं कि अगर हम कैपिटल सी बनाएंगे तो नॉर्मल होगा, स्मॉल सी बनाएंगे तो कलर ब्लाइंड होगा। तो हम अगर कैरियर फीमेल मतलब कि ऐसी फीमेल जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस का एक अलील मौजूद तो है, अगर ये स्मॉल आप सी देखें एक अलील ख़राब मौजूद तो है मगर ये खुद कलर ब्लाइंड नहीं, क्यों? क्योंकि रिसेसिव कंडीशन है, दोनों अलील ख़राब होना ज़रूरी है, तो ये कैरियर कराएगी। जो मेल है उसके बाद एक ख़राब अलील आ गई तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इनका जब हम क्रॉस कराएंगे एक तरफ आपने मेल के रख लिए और एक तरफ फीमेल के कैमिट सेट लिए, तो ये क्या बनेगा एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी और एक्स कैपिटल सी वाई, ठीक है, एक्स स्मॉल सी और एक्स स्मॉल सी और एक्स स्मॉल सी वाई। तो अगर आप ये देखें ये फीमेल है, ये क्या है कैरियर, ये भी फीमेल है मगर ये क्या होगी ये वाली फीमेल कलर ब्लाइंड, और ये मेल है, मेल क्या है ये नॉर्मल, और ये मेल है ये क्या है ये कलर ब्लाइंड। तो अब आपसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि अफेक्टेड चिल्ड्रन की तादाद बता दें, तो आपको कैसे बताएंगे दो कलर ब्लाइंड है एक फीमेल एक मेल, तो आप कहेंगे 50% अफेक्टेड चिल्ड्रन है। अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कैरियर चिल्ड्रन की तादाद बता दें, तो आप कहेंगे 25% कैरियर चिल्ड्रन है। क्यों? क्योंकि एक ही फीमेल कैरियर है, एक क्योंकि चार रिजल्ट हैं तो एक जो है 25 कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये दो तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। अब ये तो हो गया उन्होंने ओवरऑल पूछा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कैरियर डॉटर की तादाद बता दें, तो आप क्या बताएंगे? देखिए डॉटर तो सिर्फ दो हैं, डॉटर सिर्फ दो हैं, तो ये दो ही 100% है, दो में से जब एक कैरियर होगी तो वो क्या हो जाएगा 50%। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। उन्होंने अगर कहा कि कैरियर डॉटर की तादाद बताएं तो होगी 50%, क्योंकि डॉटर दो हैं, दो ही कंट्रीब्यूट करेंगे 100% पर, तो एक 50% में कंट्रीब्यूट करेगी। अगर कहें कि कलर ब्लाइंड डॉटर की तादाद बताते हैं तब भी 50% होगी, क्यों? क्योंकि एक कलर ब्लाइंड डॉटर मौजूद है तो 50% उसकी तादाद हो जाएगी। ऐसे ही अगर वो कहें कि नॉर्मल मेल सन की तादाद बता दें वो 50% होगी, क्यों? क्योंकि दो मेल हैं और एक दोनों मिलकर 100% कंट्रीब्यूट करें तो एक 50% कंट्रीब्यूट करेगा। अगर कहें कलर ब्लाइंड मेल की तादाद वो 50% होगी, तो ये आपको मेल फीमेल मेल और डॉटर और ओवरऑल का आपको सवाल को पढ़ के अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये वाले सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि एक्स लिंक डोमिनेटेड्स, हमने एक्स लिंक रिसेसिव पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंड, और हमने एक और डिजीज़ भी पढ़ी है पिछली वीडियो में, तो अब हम पढ़ते हैं एक्स लिंक डोमिनेटेड्स, ठीक है। ये क्या है फीमेल इसमें ज़्यादा इफेक्ट होती है, थोड़ा सा हम पिछली वीडियो में अच्छी तरह देख चुके हैं, मैं दोबारा थोड़ा बता देता हूँ। देखें इसमें होता कुछ ऐसे है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है मतलब एक भी अलील खराब आ गई तो डिजीज़ हो जाएगी। फीमेल का होता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स, मेल का होता है एक्स वाई। मेल में खराब अलील आ गई तो वो तो रिसेसिव में भी खराब हो रहा था, यहाँ भी खराब हो जाएगा। मेल का तो ये है कि या तो नॉर्मल सही वाली अलील है, या अगर एन को हम नॉर्मल ले लें तो सही वाली है एक्स वाई पे, या तो ख़राब वाली है स्मॉल एन को ख़राब वाली ले रहे हैं, तो मेल का 50-50% है, ठीक है। बट फीमेल का जब होता है, फीमेल का होता है क्रोमोसोम एक्स एक्स ना, तो इनके पास क्या हो सकता है, अगर तो एक ख़राब वाली भी आई स्मॉल एन ले लेता हूँ, एक सही वाली है, तो ये हो क्या होगा इसके पास, ये अफेक्टेड हो जाएगी फीमेल, क्योंकि एक भी ख़राब वाली आ गई है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है दोनों ख़राब वाली आ जाएँ, तब भी क्या होगी फीमेल अफेक्टेड। तब तक दोनों सही नहीं आएंगी, दोनों कैपिटल एन नॉर्मल वाली नहीं आएंगी, तो ये नॉर्मल नहीं होगी। तो अगर तीन केस बनते हैं, हर केस 100 को 3 पे डिवाइड करें तो 33.33 बनेगा सारे केसेस में, तो 33.33 अगर आप दो बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अफेक्टेड में क्या था, अफेक्टेड में या तो दोनों अलील ख़राब भी थे, एक भी ख़राब तब भी डिजीज आ रही थी। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 66.66% फीमेल में चांस बन जाएंगे, जबकि आप मेल में देखें तो ओनली 50% चांस है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा फीमेल इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होती है। और एक्स लिंक रिसेसिव में क्या था, मेल ज़्यादा अफेक्टेड था, उसका रीज़न ये था कि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम में एक ख़राब अलील आ गई तो वो मेल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा कि हम एक क्रॉस बना रहे हैं जिसमें अफेक्टेड फादर है और नॉर्मल फीमेल है। अफेक्टेड फादर का हमने ऐसे लिया है कुछ कि जो कैपिटल डी है वो अफेक्टेड को शो कर रहा है और स्मॉल डी जो है वो नॉर्मल को शो कर रहा है। ठीक है, तो फादर का जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल डी स्मॉल वाई क्योंकि अफेक्टेड है और मदर क्योंकि नॉर्मल है, तो दोनों स्मॉल डी होंगे। जब इनका क्रॉस कराएंगे एक तरफ फादर के रख लिए गैमेट्स और एक तरफ मदर के, तो ऐसे बनेगा कैपिटल डी और एक्स स्मॉल डी, एक्स स्मॉल डी वाई, एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी और एक्स स्मॉल डी वाई। अगर आप यहाँ गौर करें मेल दोनों क्या है नॉर्मल, सॉरी मेल दो यस मेल दोनों नॉर्मल हैं और फीमेल दोनों क्या हैं, फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं क्योंकि दोनों के पास एक ही कैपिटल डी आ रहा है तो डोमिनेंट रेट है। तो ये इसका रिजल्ट भी कैसे आएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कितने अफेक्टेड हैं तो ओवरऑल 50% अफेक्टेड है, ओवरऑल डॉटर कितनी अफेक्टेड है डॉटर 100% अफेक्टेड है, ओवरऑल सन कितने नॉर्मल है तो सन 100% नॉर्मल है। तो ऐसे आपको तीनों तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके क्रॉस आप ऐसे बना के और वो इसका रेशो निकाल सकते हैं, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। एक और एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं ये वाला, आप खुद भी अगर प्रैक्टिस कर लें। चलो मैं करा भी देता हूँ, रिजल्ट्स लिख देता हूँ, बाकी आप टैली खुद कर लीजिएगा। इन हमने यहाँ पर क्या लिया है, नॉर्मल मेल लिया है, उसके पास स्मॉल डी मौजूद है और हमने ठीक है नॉर्मल, और हमने जो डिजीज़ फीमेल ली है एक कैपिटल डी मौजूद है, तो एक्स स्मॉल डी, एक्स स्मॉल डी, एक्स स्मॉल डी वाई और एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी और एक्स कैपिटल डी वाई। तो यहाँ पर रिजल्ट्स कैसे आएंगे, जो दो फीमेल हैं एक फीमेल नॉर्मल है और एक क्या है डिजीज़ है, और जो एक मेल नॉर्मल एक डिजीज़ है, तो इसके रेशियो भी ऐसे ही निकलेंगे। ओवरऑल डिजीज़ कितने होंगे, ओवरऑल पूछा जाए तो एक मेल डिजीज़ है और एक फीमेल डिजीज़ है, 50% ओवरऑल डिजीज़ है। तो अगर फीमेल के हिसाब से पूछा जाए ओवरऑल डिजीज़ कितने हैं, तो फीमेल भी डॉटर के हिसाब से 50% डिजीज़ है, 50% नॉर्मल है। ठीक है, और अगर मेल के हिसाब से पूछा जाए तो मेल भी 50% डिजीज़ है और 50% नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट की, एक्स लिंक रिसेसिव की हमने एग्जांपल देखी, इसकी भी डायरेक्ट एग्जांपल देखनी पड़ेगी। हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स है, रिकेट्स क्या होता है एक्चुअली, नॉर्मल रिकेट्स, हाइपोफॉस्फेटीमिया हटा दें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी का काम है कैल्शियम और फॉस्फोरस को डिपॉजिट कराना बोन में, अगर बोन है तो डिपॉजिट कराएगा, उसके डिपॉजिट होने से बोन क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी, विटामिन डी कम हो जाएगा, कैल्शियम भी डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, फॉस्फोरस भी डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और बोन क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी, और इससे क्या हो जाते हैं बोन वीक हो जाएगी और इससे हमारे पास फ्रैक्चर्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स तो ये है, अब हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स इससे अलग है तो एक्सट्रीम डोमिनेंट है और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नहीं होता। ठीक है, चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें होता क्या एक्चुअली, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब क्या कि जो जीन कोड करती है प्रोटीन फॉर बोन, ठीक है, कोई ऐसी जीन्स होंगी जो कि बोन को, जैसे बोन है तो इसमें प्रोटीन कोड करेगी, प्रोटीन्स इसमें आएंगी और ये क्या करेगी बोन स्ट्रांग होगी, प्रोटीन डिपॉजिट होंगी, ये विटामिन डी का सिग्नल नहीं ले पाती। विटामिन डी का जब सिग्नल नहीं मिलेगा, विटामिन डी तो मौजूद है बॉडी में मगर इसका सिग्नल जाए तो विटामिन डी आएगा, ऐसा कुछ होता है, अगर ये बोन है तो विटामिन डी आएगा अपना सिग्नल देगा, ये ऐसे में सिग्नल को सिग्नल देगा और सिग्नल से कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिग्नल में मसला है, ये बोन आ गई और ये विटामिन डी है, विटामिन डी का सिग्नल नहीं आ पा रहा, जब सिग्नल नहीं आएगा तो कैल्शियम भी नहीं आएगा और फॉस्फोरस भी नहीं आएगा, जब कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों नहीं आएंगे तो डिपॉजिट नहीं होंगे तो बोन क्या हो जाएगी बोन वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का मसला होता है, इसमें कैल्शियम भी नॉर्मल होता है, फॉस्फोरस भी नॉर्मल होता है और विटामिन डी भी नॉर्मल होता है, कम्युनिकेशन में मसला आ जाता है। तो ये वाली डिजीज़ जो है ये एग्जांपल है हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स की। अच्छा, अब वाई लिंक ट्रेट्स हैं, वाई लिंक ट्रेट क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है वैसे तो, देखें फीमेल का जो एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स और मेल का होता है एक्स वाई, तो वाई सिर्फ मेल के पास है, तो ये मेल मतलब फादर के पास है और फादर का आगे डॉटर अगर हो तो उसके बाद एक्स एक्स है, मतलब कि उसके बाद भी वाई नहीं है, फादर का आगे इनका अगर मदर है फादर इनका बच्चा हो जो सन हो मेल हो तो उसके बाद एक्स वाई होगा, तो वाई सिर्फ फादर के पास है और आगे भी उसके सन के पास है, तो मेल टू मेल जा रहा होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मदर टू सन और ये ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, जिग-जैग पैटर्न नहीं है, तो मेल टू मेल सिंपल ट्रांसमिशन है फादर टू सन जैसे मेंशन है। अब इसमें क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, SRY जीन, हमने पिछली वीडियोस में देखा भी है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके दो आर्म्स होते हैं, एक ऐसा छोटा और एक बड़ा आर्म, जो छोटा आर्म है इस पर एक जीन मौजूद होता है जिसको SRY जीन कहते हैं, जिसकी वजह से मेल मेल बनता है। ठीक है, SRY जीन क्या कर रहा है, डेवलप मेलनेस, ये मेलनेस को डेवलप करता है, जितने भी मेल के करेक्टर्स हैं वो सारे SRY जीन मौजूद है, तो इसलिए आफ्टर 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब मदर के
पेट में बच्चा होता है 6 हफ्ते हो चुके होते हैं, तो ये SRV जीन क्या करता है, ये इसको बता देता है कि मेल होगा आगे, ठीक है। तो ये वाई लिंक यूनाइटेड जीन है, ठीक है, वाई लिंक्ड हो गई, हमने देख लिया ये, ठीक है। अब कुछ और ट्रेड्स हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स, ये हमने थोड़ा सा पढ़ना है, ये बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं आसान। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स आपसे ये वर्ड ही इंडिकेट करेगा, लिमिटेड का मतलब महदूद, मतलब कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे, कुछ ऐसे करेक्टर्स होंगे जो कि मेल या तो मेल के लिए महदूद हैं या तो फीमेल के लिए महदूद हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट ओनली इन वन जेंडर, जैसे मैंने आपको बताया कि महदूद हैं किसी एक जेंडर के लिए, ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंस। एनाटॉमिकल डिफरेंस का मतलब ये हमारी बॉडी के डिफरेंसेस, हमारे बॉडी में जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो मेल में कुछ स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, फीमेल में कुछ स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स के अलग होने की वजह से वो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जीन फॉर मिल्क ईट के जो मिल्क पैदा करने की जो जीन है वो अफेक्ट सिर्फ काओ को अफेक्ट करती है, ठीक है, जो काओ की जो फीमेल पार्ट है वो उसको सिर्फ अफेक्ट कर रहा है और उनका मेल पार्ट को नहीं करता। तो ये जो ऑल्दो जीन तो मौजूद होगी मेल पार्ट में भी, मिल्क के लिए जीन मौजूद होगी, मगर वो क्या होगा, जीन साइलेंट हो चुकी होगी, और मिल्क के लिए जो जीन है, मिल्क के लिए जीन है वो फीमेल में क्या है, वो एक्टिव है, वो साइलेंट नहीं है, तो इसलिए फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करेगी, मेल में जीन तो है मगर वो साइलेंट है तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। बेड फॉर मेल, बेड सिर्फ मर्दों में आती है, मेल में आती है क्यों, ऐसा नहीं है कि फीमेल में इसके पास जीन नहीं है, फीमेल के पास भी जीन तो मौजूद है बेड की, मगर वो क्या है, वो साइलेंट है, वो साइलेंट है, तो फीमेल के पास बेड नहीं होगी और मेल के पास भी जीन एक्टिव है तो बेड हो जाएगी। 2 एग्जांपल्स हैं, ये मेंशन है जीन्स इन बोथ बट एक्सप्रेस इन वन, एक में एक्सप्रेस होती है। तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स क्या हैं, ये ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं, ये दोनों मेल और फीमेल में तो होते हैं मगर मेल एक जेंडर में ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्या मतलब, ये जो ट्रेड्स हैं, ये वाले ट्रेड ये मेल फीमेल दोनों में होंगे, ये वाले ट्रेड्स, मगर किसी करेक्टर में हो सकता है मेल में ज़्यादा हो सकता है फीमेल में ज़्यादा हो, किसी एक जेंडर में ज़्यादा होंगे। अब इसके रीज़न क्या है, ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस, ये तो आपने हर जगह पढ़ा होगा, मेल और फीमेल के हार्मोनल काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, फीमेल जो है फीमेल में काफ़ी अलग हार्मोन्स होते हैं, मेल में काफ़ी अलग हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोनल डिफरेंस की वजह से ही ये ट्रेड जो है वो थोड़े बहुत जीन्स मौजूद होती हैं, और ट्रेड्स किसी में बोले जीन्स की वजह से ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं और किसी में कम होते हैं। वही मेंशन है, एक जीन है या तो वो किसी जेंडर में डोमिनेट होगी और किसी जेंडर में रिसेसिव, क्या मतलब है, मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बाल्डनेस के जीन को हम इंडिकेट करें जीन बी से, मेल में क्या होगा, जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंट है और स्मॉल बी क्या है, नॉर्मल है। मतलब क्या कि अगर मेल के जीन्स में दोनों कैपिटल बी आ जाए, ज़ाहिर है हर करेक्टर के लिए 2 एलील्स होते हैं, पहले पढ़ के आए, अगर क्रोमोसोम में कोई तो इसके दो, एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, तो हर करेक्टर के लिए 2 एलील्स मौजूद होते हैं, दोनों कैपिटल बी आ जाए तो बाल्ड हो जाएगा मेल, अगर एक कैपिटल बी है कि स्मॉल बी आ जाए ये डोमिनेंट है तो मेल फिर भी बाल्ड हो जाएगा, अगर दोनों स्मॉल बी हैं तो मेल नॉर्मल होगा, तो इसीलिए आपको गंजापन मेल में बाल्डनेस जिसको कहते हैं वो ज़्यादा मिलता है। सिमिलरली फीमेल में अगर देखें, फीमेल में कैपिटल बी नॉर्मल है, मेल में कैपिटल बी क्या था, बाल्डनेस का मतलब ख़राब जीन था, फीमेल में कैपिटल बी नॉर्मल है और स्मॉल बी बाल्डनेस उल्टा हो गया। अब फीमेल में क्या होगा, अगर दोनों कैपिटल बी होंगे तो फीमेल बिल्कुल नॉर्मल होगी, अगर एक कैपिटल बी भी होगा तो फीमेल फिर भी बिल्कुल नॉर्मल होगी। फीमेल के बाल्ड होने के लिए, गंजापन आने के लिए फीमेल में दोनों स्मॉल बी आने चाहिए, तब जाके फीमेल क्या होगी, बाल्ड होगी, तो इसीलिए फीमेल्स में गंजापन की जो शिकायत है वो कम मिलती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो जीन तो एक ही थी, इस बी जीन थी, ठीक है, वो मेल के लिए जो कैपिटल बी था वो डोमिनेंट था, तो इसलिए फीमेल मेल में क्या हुआ, बाल्डनेस बढ़ गई, और फीमेल के लिए कैपिटल बी क्या था, नॉर्मल था, तो फीमेल में बाल्डनेस कम हो गई। तो यही मेंशन है, डोमिनेंट एक जेंडर के लिए होगी वही जीन, और रिसेसिव दूसरे जेंडर के लिए होगी, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें तो हम ख़त्म होती हैं, एक छोटा सा टॉपिक है डायबिटीज़ का, वो कवर करते हैं और चैप्टर एंड हो जाएगा। डायबिटीज़ का मतलब क्या है एक्चुअली, वो वही हम सादा जबान में क्या कहते हैं, इसको शुगर हो गई है। तो एक्चुअली क्या है, शुगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं, ऐसे नहीं है कोई एक डिजीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मतलब इसमें आपके न्यूरॉन्स भी अफेक्टेड हो रहे होंगे, इसमें आपके आइज भी अफेक्टेड हो रही होंगी, इसमें आपकी किडनीज भी अफेक्टेड हो रही होंगी, ओवरऑल बॉडी के सारे आपके इवन लोअर लिम, मतलब लेग्स में भी, फुट के रीजन में भी आपकी चीज़ें अफेक्टेड हो रही होंगी, तो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, बहुत सारी जगह अफेक्टेड हो रही है। क्यों हो रहा है, एक्चुअली लैक ऑफ इंसुलिन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से। अच्छा अब एक्चुअली होता क्या है, किसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स ये होंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, एक्चुअली इंसुलिन जो है इसका फंक्शन ये है कि अगर हमारी ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर ग्लूकोज घूम रहा है ब्लड में, ग्लूकोज घूम रहा है, इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ग्लूकोज को लिवर में ले जाए,
ग्लूकोज को बहुत सारे अलग हमारे मसल्स में ले जाए तो उसको डिपॉजिट कराना ब्लड में ना घूमता रहे, इस इंसुलिन का ही फंक्शन है। बट अब इंसुलिन है ही नहीं, तो इंसुलिन नहीं है तो ब्लड का ग्लूकोज में ग्लूकोज का ब्लड में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो हमने ऊपर पढ़ा कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। तो यही वजह है कि इंसुलिन नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है वो लिवर में नहीं जा पा रहा, वो मसल्स में नहीं जा पा रहा और ग्लूकोज के लेवल बढ़ रहा है। तो यही मेंशन है मेटाबोलाइजेशन, ग्लूकोज का ठिकाने नहीं लग रहा। अच्छा, अब क्या होगा, ग्लूकोज यूरिन में पास होगा, क्या वजह है भाई? हमारे पास ये होता है कि मैक्सिमम जो इंसुलिन है, जब नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन मौजूद है तो वो क्या करेगी, अगर इंसुलिन है नॉर्मल कंडीशन में तो ये अगर ब्लड कैपिलरी है, ये ग्लूकोज घूम रहा है तो ग्लूकोज को ठिकाने लगा देगी, लीवर में भेज देगी, मसल में भेज देगी, इसको ठिकाने लगा देगी, ठीक है। बट कुछ ग्लूकोज अगर हमारी किडनीज़ में चला गया तो किडनीज़ के पास भी एक कैपेसिटी है कि ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करके दोबारा वापस बॉडी को दे दे और यूरिन जो है ग्लूकोज फ्री हो। बट इतना ग्लूकोज आ जाता है कि किडनी भी कहती है भाई मैं कितना रीअब्सॉर्ब करूँ, तो किडनी का भी क्या होता है कि इतना रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो कुछ यूरिन में पास होना ग्लूकोज शुरू हो जाता है, तो वो इंडिकेशन होती है डायबिटीज़ की। इवन किडनी इतना ज़्यादा काम करेगी, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब कराएगी, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है और अडल्ट स्टेज में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। रेटिना, हमारे आई का जो पार्ट है रेटिना, ठीक है, जो मेन पार्ट है जिसे हम देख रहे होते हैं, इसको आंख का पर्दा भी कहते हैं, उसका बहुत बुरा इफेक्ट करती है, तो ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। इससे हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और लोअर लिम प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। क्या मतलब कि कभी कभी आपने सुना होगा कि उस बंदे की शुगर की वजह से टांग काटनी पड़ गई, पैर काटना पड़ गया, तो क्या होता है एक्चुअली वो पैर की जो ब्लड सप्लाई है कुछ ऐसा होता है हमारी, अगर ब्लड थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ समझने के लिए, अगर ब्लड कैपिलरी है इसमें क्या करेगी, ग्लूकोज प्लैक्स बनाना शुरू कर देगी, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक्स कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म अभी आपके यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, बट प्लैक्स से क्या होगा, ये थिकनिंग शुरू हो जाएगी, ब्लड से इतना गुजर नहीं पाएगा, जब ब्लड गुजर नहीं पाएगा तो लोअर लिम में ब्लड जो है हमें प्रॉपरली मिल नहीं पाएगा और इस पर इतनी सीवियर कंडीशन हो सकती है, पैर और हमारे या पैर या पूरी टांग भी काटनी पड़ जा सकती है, ठीक है, लोअर लिम प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। ये तो हो गया। अब कुछ टाइप्स हैं, ये वाले टाइप वन बाई वन नीचे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, ये वाली टाइप, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई। इसमें क्या होता है कि ये जर्वलाइन डायबिटीज, इसको टाइप वन भी कहते हैं, टाइप वन डायबिटीज़ भी कहते हैं, मतलब ये क्या होगा, बिफोर 40 हो जाएगी, कभी कभी बच्चे पैदा भी इस कंडीशन से होते हैं, बिफोर 40 होती है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन या तो नहीं बननी होती है, बहुत कम बननी होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब क्या कि हमारी बॉडी में, बॉडी की आपको पता होगा एंटीबॉडी बनती हैं हमारी बॉडीज़ में, कोई बाहर से कोई चीज़ आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई वायरस आ जाए तो उसके खिलाफ बनेगी और उसको मारने की कोशिश करेगी, ठीक है। मगर क्या होता है, कभी कभी अगर हमारी बॉडी में फंक्शंस ख़राब हो जाए तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है अपने ही बॉडी के लिए, ठीक है, अपने ही बॉडी के लिए। तो ये ख़राब कंडीशन में एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसमें क्या हो सकता है कि एंटीबॉडी बन जाए, एंटीबॉडी हमारे पेंक्रियास में जहाँ से इंसुलिन बननी है, पेंक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से इंसुलिन बनती है, ठीक है। अगर ये पेंक्रियास है, इसके कुछ सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं बीटा सेल्स, वो बनाते हैं इंसुलिन, ठीक है। ये वाला हम टॉपिक आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में फिलहाल ये जहन में रखें। अगर ये पेंक्रियास है तो उसके बीटा सेल इंसुलिन बना रहे होंगे, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा सेल बन जाती है और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ऑटो का मतलब खुद ही अपने हमारी बॉडी से, और इम्यून का मतलब है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो एंटीबॉडी बनी और डिजीज़ है। तो इसलिए अब वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, क्यों, वायरल इन्फेक्शन जब होता है, कोई वायरस इंटर होता है हमारी बॉडी में, तो टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं वायरस को ख़त्म करने के लिए। कभी कभी क्या हो सकता है, टी सेल वायरस को ख़त्म करते करते हमारे ओन बॉडी के, अगर ये पेंक्रियाज हैं, बॉडी के अपने ही बीटा सेल को भी ख़त्म कर दें, तो ये टी सेल्स के ये भी कर सकते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, इसका सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक्सोजेनस इंसुलिन दें, मतलब बाहर से हम इंसुलिन दे सकते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है कि इंसुलिन जीन मौजूद होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे हमारे, और क्रोमोसोम 11 पे तो सबके मौजूद होगा, मगर होता है एक्चुअली कभी कभी के क्रोमोसोम 11 पे जीन है ये, कभी कभी कुछ लोगों में बहुत रेजिस्टेंस होता है, मतलब क्या है कि वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए, अगर टी सेल जो है वो एक्टिव अटैक करें भी, तो भी इतना ज़्यादा अटैक ना हो, बंदा सर्वाइव कर जाए। अब कुछ जीन जो होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतना ज़्यादा मीठा या वायरल इन्फेक्शन की टी सेल्स के अटैक को बर्दाश्त कर सकें, तो क्या होता है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ कि कौन रेजिस्टेंस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये वाली चीज़ जो है वो तो जाहिर है वो जेनेटिक्स होती है, हमारे फादर मदर से आ रही होती हैं, कि वो किसी के अगर फादर मदर में बहुत रेजिस्टेंस की जीन है तो वो बर्दाश्त कर लेगा, किसी बात नहीं है तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब ये इसके पास मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड होता है एक्चुअली। अब क्या है मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड, मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो जेनेटिक बेसिस है, क्योंकि 11 पे जीन है, मगर
मैनी जीन्स जीन्स पे तो है मगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं? मिसाल के तौर पर आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अगर कोई ऐसे कंडीशंस में रह रहे हैं या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें अपना पार्ट लेते हैं। तो ऐसी ट्रेड ऐसी चीज़ें जिसमें जीन्स अपना पार्ट लें उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी पार्ट लें, तो उसको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड है। उसमें डायबिटीज़ भी आ जाता है, उसमें ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं वो भी आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कोई बंदा है उसकी जीन्स या तो उसके जेनेटिक्स में हाइपरटेंशन होना, तो और उसके साथ साथ क्या होगा उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, मतलब उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान रहता है, तो ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, उसको ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं उसके जीन्स तो नहीं है ख़राब, मगर उसको इतना परेशान रहता है, इतना स्ट्रेस में रहता है, उसको स्ट्रेस की वजह से मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें मिलके काम करी होती हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए। दूसरी टाइप कौन सी है, जो ये वाली है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। मतलब क्या, ये 90% केसेज में होता है, ऊपर वाला ये वाला 10% में था, 10% केसेज में था, ठीक है, ये 90% केसेज मेनली जो होता है आपको जो डेली लाइफ में लोगों से आपको पता चलता है उसको शुगर हो गई, तो वो एक्चुअली ये वाला होता है। क्या होता है कि बॉडी सेल रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन को, ऊपर क्या हो रहा था इंसुलिन बन नहीं रही थी। इसमें क्या है, इंसुलिन मौजूद तो है मगर अगर ये लिवर है, ये इंसुलिन लिवर को कह रही है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज जो है वो लिवर अपने अंदर ले लो, तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस आ जाती है रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये टाइप टू डायबिटीज़ में आती है। यही मेंशन है, बॉडी सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है और वो उसके बात नहीं मान रहे होते। कहाँ कॉमन होता है, ओल्ड एज में, क्योंकि देखें ओल्ड एज में सारी सिस्टम जो है वो डिक्लाइन की तरफ ही होते हैं, तो ये वाला मसला ओल्ड एज में हो सकता है। या ओबीज़ में, ओबीज़ में क्या होता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैट होता है हमारी बॉडी में, फैट क्या करता है एक्चुअली इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बना देता है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बना देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक्चुअली जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ करा रही है, तो फैट से एक्चुअली होता है। और रोल ऑफ जेनेटिक्स तो ज़ाहिर है, ठीक है, अगर फादर मदर से अगर जीन्स आ रही हैं ख़राब वाली, तो ये हो सकता है। थर्ड जो टाइप है वो है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, ठीक है, जो मैंने ये लिखा है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ये क्या है, 2-5% में होता है, मतलब बहुत रेयर है। इसका कॉज क्या है कि ग्लूकोकाइनेज जीन जो है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन है, ऑटोसोम मतलब हमारे 44 क्रोमोसोम पे हो गया, डोमिनेंट जीन है, एक भी ख़राब जीन आ जाए तो ये इफेक्ट आ जाएगा। ये ग्लूकोकाइनेज जीन जो है ये क्या करती है, इसकी म्यूटेशन होती है। एक्चुअली म्यूटेशन क्या है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, रेडिएशन, केमिकल्स, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर चेंज होता है उसके जीन्स में, जीन्स में मसला आ जाए, तो एक्चुअली ग्लूकोकाइनेज का असल फंक्शन क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाना, जो कि हम ग्लाइकोलाइसिस में बायो एनर्जेटिक्स में अच्छी तरह हमने पढ़ा है। फिर आगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आगे रिएक्शंस में जाता रहता है, क्रैब साइकिल वगैरह, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फाइनली एनर्जी मिल जाती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, 36 या 38 मिल रहे होते हैं, ठीक है, वो वाला बायो एनर्जेटिक्स की वीडियोस मौजूद है, वहाँ देख लें। ग्लूकोकाइनेज ये पहला स्टेप जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कराना, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में ये पहला स्टेप ग्लूकोकाइनेज कर रहा है। मगर ग्लूकोकाइनेज के अगर जीन में म्यूटेशन हो जाएगी, अपना काम नहीं कर पाएगा और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नहीं बन पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा बॉडी में, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होने को हम क्या कहते हैं, शुगर हो गई है। तो ये भी एक तरीका है, मगर ये भी बहुत रेयर है, मेनली यही है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है, कहाँ ये रहा टाइप 2, ऊपर वाले टाइप 1 थी, ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और यूजुअली 40 के बाद हो रही होती है ये। अच्छा, एक छोटा सा बस चीज़ और है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, अगर हमारे पास 4 जीन्स होती हैं, ठीक है, ओवरऑल 4 जीन्स होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाती है। ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा वीडियोस में, पिछली वीडियोस में भी मौजूद है, वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि जीन से या डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ये वाला प्रोसेस है जो डीएनए या जीन से मैसेंजर आरएनए का बनना, फॉर किसके लिए, फॉर हमारे पास इंसुलिन के लिए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनेगा तो आगे उसके बाद पैगाम जाएगा इंसुलिन बनाओ। तो ये वाला प्रोसेस जो है 4 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, इनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में भी मसला होगा। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने एक्चुअली करना क्या था, प्रोटीन्स बनानी थी, कौन सी प्रोटीन, जो कि पैनक्रियाज के डेवलपमेंट करे, पैनक्रियाज में ही बीटा सेल मौजूद है जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है, तो पैनक्रियाज की डेवलपमेंट होगी तो बीटा सेल की डेवलपमेंट होगी, इंसुलिन बनेगी, और इंसुलिन रेगुलेशन, इंसुलिन की प्रोडक्शन वगैरह कराना, तो ये सारा इनका काम था, ये 4 जीन्स का जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब मैसेंजर आरएनए बनाने थे, और मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन्स बनाने थे, जिन प्रोटीन से उन्होंने 2 काम कराने थे, पैनक्रियाज को बनवाना था और इंसुलिन की रेगुलेशन करानी थी। तो ये म्यूटेशन होगी, ये वाली जीन खराब होगी, जब जीन्स खराब हो गई मैसेंजर आरएनए भी नहीं बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा तो प्रोटीन्स ही बनेगी, जब प्रोटीन्स ही बनेगी तो पैनक्रियाज भी डेवलप नहीं होंगे, पैनक्रियाज नहीं डेवलप होंगे तो बीटा सेल भी डेवलप नहीं होंगे, और इसके साथ इंसुलिन की रेगुलेशन भी नहीं हो सकेगी, इंसुलिन कितना निकलना है, कितना रिलीज होना है, ये भी नहीं हो सकेगा, तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा।